प्रोग्राम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हमारे जीवन का जैसे हम देख रहे हैं अंतिम पहलू वो है आत्मा जीतना, और जीवन के अंत में जो है सारी बातें जो है तब फ्रूटफुल होंगे, तब महत्व रखेंगे, तब उनका वैल्यू रहेगा, जब किसी भी टैलेंट के कारण से, किसी भी गुण के कारण से आप परमेश्वर के राज्य में एक आत्मा को जीत लाए, बहुत सारी नहीं, एक आत्मा को। और यदि वो एक आत्मा डायरेक्ट रीति से नहीं तो वो इनडायरेक्ट रीति से भी जो है हम प्रभु के पास या एक सोल विनिंग मिनिस्ट्री या इवांजेलिज्म जिसको हम बोलते हैं, जो परमेश्वर की धड़कन कहलाती है, जो परमेश्वर की धड़कन कहलाती है, उस मकसद में हम जुड़ जाए। और पौलुस एक प्रिंसिपल को बताता है, सो मेरे साथ निकाले प्रकाशित प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 20वां अध्याय और 20वें आयत से, इसको 2020 प्रिंसिपल भी बोलते हैं याद रखने के लिए। प्रेरितों के काम की पुस्तक का 20वां अध्याय और 20वीं आयत, और मैं आपके लिए 19वीं आयत से पढ़ रहा हूं। प्रेरितों के काम की पुस्तक 20वां अध्याय 19वीं आयत से, अर्थात बड़े दीनता से और आंसू बहा बहा कर और उन परीक्षाओं में जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी, मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा, और जो जो बातें तुम्हारे लाभ की थी उनको बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने में कभी न झिझका, वरन यहूदियों और यूनानियों के सामने गवाही देता रहा कि परमेश्वर की ओर मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। मैं घर घर जाकर तुम लोगों की सभाओं में आंसू बहा बहा कर कष्ट में बड़ी दीनता के साथ में परीक्षाओं में जो जो बातें तुम्हारे लाभ की थी उसको बताने और लोगों के सामने और घर घर में सिखाने में कभी न झिझका। सो हम सोचते हैं बड़ी सभाएं होंगी तो हम प्रचार करेंगे या हमें बड़ी जगह मिलेगी तो प्रचार करेंगे, नहीं दोस्तों, शुरुआत हमारी इसकी छोटे से ग्राउंड से होती है, हमारे परिवार से होती है, हमारे जीवन साथी, हमारे बच्चे, हमारे माता पिता, हमारे रिश्तेदार, फिर अन्य लोग। और प्रभु यीशु मसीह ने यही कहा, पहले यरूशलेम, फिर यहूदिया, फिर सामरिया और फिर पृथ्वी के छोर तक। सो प्रभु हमारे जीवन में ये फल देखना चाहता है और हमारे जीवन का अंतिम टारगेट बिंदु यही होना चाहिए। सो बाइबल इस विषय में बहुत सारी शिक्षाएं देती है, हम उनको एक एक करके देख रहे हैं। सो आए मेरे साथ बाइबल अध्ययन। जैसे सोल विनिंग और इवांजेलिज्म, यदि प्रभु यीशु मसीह का हम प्रचार करते हैं तो वो मैंने आपको बताया था गॉस्पल है, गॉस्पल है। और पौलुस जो है उस समय के लोगों में जो है एक महान जो है परमेश्वर का दास रहा, जिसने न सिर्फ आत्माएं जीती लेकिन उन आत्माओं को एक जगह एकत्रित करके कैसे चर्च का निर्माण हुआ। आपको मैं बता दूं कि पहले 300 साल चर्च बिल्डिंग नाम की कोई चीज नहीं, 300 साल तक लोग जो है अपने घरों में पेड़ों के नीचे कहीं पर भी इकट्ठा होते थे और वो वास्तविक चर्च था। और प्रभु में वो बोलता है कि मैं घर घर जाकर जो हिस्सा हमने पढ़ा, लोगों को सिखाने में बताने में इंटरेस्टेड रहा, और करीब नए नियम के दो तिहाई किताबें सो
जिनका मकसद लोगों की आत्मा को जीतना न कि खुद की बड़ाई करना, और ये हमारा भी उद्देश्य होना चाहिए। कैसे भी करके हम प्रभु के लिए लोगों को जीत पाए और प्रभु के पास उनको ला पाए। सोल विनिंग या आत्मा जीतना एक पार्ट टाइम या आपकी हॉबी में नहीं आता, ये प्रतिदिन का और प्रति मसीह प्रत्येक व्यक्ति का ये एक मिशन है। और ये ग्रेटेस्ट अवसर है, ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रत्येक व्यक्ति को बताया जाए, क्योंकि प्रभु ने कहा खेत तो तैयार लेकिन उनको काटने वाले लोग कम है। और दो प्रकार का जो है सुसमाचार प्रचार, पहला मास इवांजेलिज्म और पर्सनल इवांजेलिज्म। जो है हम देखते हैं कि पौलुस और प्रभु यीशु मसीह जो है पर्सनल प्लस मास इवांजेलिज्म, एक एक व्यक्ति के बारे में कंसर्न रहते हैं और एक एक व्यक्ति को जो है प्रभु के पास लाते हैं। और जो है न सिर्फ एक एक व्यक्ति को, लेकिन जरूरत पड़ी तो मास इवांजेलिज्म में भी प्रभु आगे आए और प्रभु के दास लोग और जो है इसका नतीजा हम देखते हैं कि एक व्यक्ति एक एटम बम के समान जो है स्थापित हो गया। और जब प्रभु पृथ्वी पर थे सो स्वयं जो है एक एक व्यक्ति पर जो है ध्यान देते, प्रभु की गवाही, उसके शरीर, उसके चर्च और सब कुछ जो है अब आप प्रभु ने आपको प्रभु ने सौंप दिया है। अब आप उसके मंदिर है, प्रभु की शक्ति आप में है। और जैसे प्रभु जाता था वैसे हम लोगों को भी ये कमीशन दिए कि जाए जगत के छोर तक, जाए जगत के छोर तक जाए और प्रभु के नाम का प्रचार करें। और ये देखें प्रभु का कमीशन पहली शताब्दी में जो है वो पहुंचा और चेले इसमें मुख्य भूमिका इन चेलों के रही। दूसरी शताब्दी में जो है वो डॉक्ट्रिनल पॉइंट सिद्धांतिक बातें, और तीसरी शताब्दी में जो है वो जैसा मैंने बताया कि चर्च बिल्डिंग नाम की कोई चीज नहीं थी, लोग घरों में इकट्ठा होते थे। और चौथी शताब्दी में जो है जो यहूदी परंपराएं थी वो परंपराओं से उठ करके लोग जो है प्रभु की ओर आने लगे। और पांचवी शताब्दी और छठी शताब्दी प्रभु के वचन को जो है जब लोगों ने हटा दिया तो करीब 1000 साल का राज्य स्पिरिचुअल डार्कनेस जैसा रहा, स्पिरिचुअल डार्कनेस जैसा रहा। और फिर 15वीं शताब्दी में मार्टिन लूथर जो है फिर वापिस से उसने ये कार्य आरंभ किया और फिर जो प्रचार शुरू होता रहा। विलियम केरी को आधुनिक प्रचारक माना जाता है। 18वीं शताब्दी में विलियम केरी ने भारत में आकर के करीब 39 भाषाओं में प्रभु का वचन जो है ट्रांसलेट किया और करीब 200 साल बाद जॉन वेस्ली, जॉर्ज व्हाइटफील्ड उन्होंने यूरोप की तरह और मास इवांजेलिज्म के जो चार मुख्य पीक आए
वो वेस्ली के अंडर में, फिने क्रॉसबे के अंडर में, मूडी डीएल मूडी के अंडर में और व्हाइटफील्ड, और यहां से करीब 20वीं शताब्दी में जो है प्रवेश कर। और मैंने किताब भी लिखी है, उस किताब का नाम है चर्च हिस्ट्री इन लास्ट 2000 ईयर, इन 2000 सालों में कैसे मसीह लोगों ने, कैसे परमेश्वर के लोगों ने कष्ट उठाया और कौन से सन में कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई। आप इसको अमेज़न से या फ्लिपकार्ट से जो है डाउनलोड भी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, फ्री में भी पढ़ सकते हैं, और किताब खरीदना चाहे तो पेपरबैक और हार्ड कवर दोनों में उपलब्ध है, और आपको अद्भुत जानकारियां मिलेगी कि कैसे प्रभु का काम इन 2000 सालों में हुआ। और प्रभु में जो है प्रत्येक व्यक्ति को यह बताया गया कि कैसे हम आत्माएं जीतने के मिशन पे लगे, क्योंकि ये प्रभु का भी मिशन, ये प्रभु का भी मिशन है। और जो है करीब 90% अविश्वासी लोग कभी चर्च नहीं जाते। सो हमें चाहिए कि हम प्रभु के बातों को बताएं। और जो सभाओं में आते उन्हें हम प्रभु के पास ला पाए। और प्रभु यीशु मसीह दोनों प्रकार के व्यक्तिगत और सामूहिक प्रचार कर, और पौलुस और दूसरे प्रेरितों ने भी इस शिक्षा को अपनाया, इस शिक्षा को। उस समय में, पौलुस के समय में कोई मीडिया वगैरह नहीं हुआ करता था, लेकिन आज हमारे पास मीडिया है और प्रभु के वचन को जो है हम टीवी, रेडियो, इंटरनेट, मोबाइल सब तरह से फैला सकते हैं। और चर्च को चाहिए कि इन सब चीजों का उपयोग करें, इस्तेमाल करना। चर्च को चार दीवारी के बाहर निकलना है। कैसे? प्रार्थना करें, कैसे प्रभु के वचन को प्रचार करें, कैसे जो है लोगों को जीते, जो आपके अड़ोस पड़ोस में जो लोग हैं, जो आपके संपर्क में हैं, उनको कैसे प्रभु के पास लाएं। और जो है SOS फॉर्मूला, एक डॉक्टर लॉविट ने ये फॉर्मूला बताया। मेडिसिन में, डॉक्टरी में SOS बोलते हैं जब जरूरत हो, जब जरूरत हो तब फलां इंजेक्शन देना, तब फलां गोली लेना। और यही फॉर्मूला जो है वो आत्मा जीतने में, स्क्रिप्चर ऑन सालवेशन, स्क्रिप्चर ऑन सालवेशन, SOS, ये बताना कि सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। और दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। तीसरा पॉइंट, सोर्स ऑफ सालवेशन सिर्फ प्रभु यीशु मसीह, उद्धार का स्रोत इस स्वर्ग के नीचे पृथ्वी पर कोई और हीरो नहीं सिवाय प्रभु यीशु मसीह। और जो है उद्धार का काम प्रभु का है, प्रभु का है। जितना सरल आप बता सकते हैं उतना सरल
और जो व्यक्ति प्रभु को ग्रहण करता है वो प्रभु से वास्तव में उत्पन्न हुआ है। और प्रभु कहते हैं, देखो मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, जो कोई मेरा शब्द सुनेगा और द्वार खोलेगा मैं उसके पास भीतर प्रवेश करूंगा। और प्रभु जो है हमारा वो उनका केयर टेकर, वो केयर टेकर। और इसीलिए हमें चाहिए कि हम जिस व्यक्ति के संपर्क में आए उसको प्रभु के पास ला पाए। और ये हमारा मिशन है, ये हमारा गोल है। जैसा प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें मनुष्य के मछुआरे बनाऊ, मनुष्य के मछुआरे बनाऊ। और हमारा जैसा उद्धार हुआ, हमारा आरंभ यहां से हुआ, हमारा अंतिम बिंदु ये रहे कि हम परमेश्वर के लिए आत्मा जीतने वाले व्यक्ति बने, क्योंकि लोगों को प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है। और सही रीति से हम प्रभु को बता पाए। और ये कई कारण है जो सुसमाचार में बाधा उत्पन्न कर दे, इनसे परे होकर के हम प्रभु के बारे में ईमानदारी से, ईमानदारी से जो है प्रभु का कार्य करें। और यदि आपने एक आत्मा भी जीत ली तो आपका जीवन स्वर्गीय जीवन में, उस अनंत जीवन में सफल माना जाए। प्रभु हम सबकी सहायता करें और अपने वचन पर आशीष। मुझे धन्यवाद देते हैं कि आप ऐसे हमारे परमेश्वर हैं जो फलों में इंटरेस्टेड हैं। और प्रभु हम अपने आप को अयोग्य पाते हैं, लेकिन प्रभु हम आप पे भरोसा करके जो है आगे बढ़ते हैं। हमें नहीं मालूम कल क्या होगा, हमें नहीं मालूम कि आने वाला भविष्य क्या होगा, लेकिन आपका वचन कहता है जो कुछ हमारे लिए होगा वो श्रेष्ठ होगा। तो प्रभु हमारे जीवन के द्वारा आपके राज्य में कम से कम एक आत्मा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से हम लाने वाले से ऐसा सौभाग्य प्रदान करें। प्रभु अपने आप को आपको समर्पित करते हैं, हमारी सहायता मदद करें। सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लें। आमीन। और There is no other God. I have prepared you even though you do not know me, so all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other God.